कोमल है, मेरे हस्बैंड पर इन्हें पीएसए लगाया है, सुमित जंडियाल। इन्हें पहले ही इन्हें बनाइए नहीं सदी यार, मैंने अदू ही मना किया, मैं नहीं जाओ नहीं जाओ, उन्हें तुम्हें कदे कुछ नहीं, मैं कुछ अगर मैं कुछ गलत किते रहा नहीं है तो फिर मेरे कने कुछ गलत भी नहीं होना, तू विश्वास रख। मैं जब मैं ये सोची भेजा कि मैं चलो अगर इन्हें कुछ गलत किते रहा नहीं है तो इन्हें आई जाना। और बाद इन्हें बाजार च बैठे, बाजार के अंदर कने कोई 200-300 बंदा गया उधर सरेंडर किया इन्हें, लेकिन इन्हें जेड़ा है न्यूज में पाया कि इन्हें उन्हें अरेस्ट किया, इन्हें उनके ठिकाने का पता लगे, इन्हें अरेस्ट किया, ये भी इन्हें झूठ बोलिया। साढ़े को वीडियो है, ये बाजार च गए इन्हें 200-300 बंदे कन्ने गई सरेंडर किया, उधर जाइए भी उधर अफसर इन्हें आख्या कि इन्हें कुछ नहीं किते रहा है, इन्हें पर कुछ नहीं है, अस बस ये क्या थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करनी है केस की। अस क्या चलो ठीक है, सू तुंदे पर विश्वास है, तो करो इन्वेस्टिगेशन, अस तुंदे कन्ने पूरा कोऑपरेट करगे। ये सरेंडर की वीडियो है, अस बोलिया कि चलो अस तुंदे कन्ने पूरा कोऑपरेट करगे, जिन्ना तुस आखगे उ करगे। असें 10 दिन तक इन्हें उधर रखे, असें बेल भी फाइल नहीं किया है, सोचा कि सिर्फ केह के इन्वेस्टिगेशन कराने, चलो कोई गल नहीं करन दो, लेकिन 10 दिन के बाद इन्हें उन्हें जेल भेजी ओड़िया। ओदे बाद फिर इन्हें असें जेड़े ओह कहदे हुंदे बेल दे कीता अप्लाई, बेल दे पेपर्स वगैरह करवाए, ते जिन्ना अस उधर बेल करवाण गए उआं इन्हें जेड़ा है ओह पीएसए उंदे उपर लगाई ओड़े दा। मैं ये पूछना चाहनी कि इन्हें जो पीएस इनके ऊपर लगाया, इनके ऊपर जो मामले बनाए रहे चोरी के डकैती के जो भी है, मैं हाई अथॉरिटीज पर बस इन्ना पूछना चाहनी कि तुम इस मामले की जांच करवाओ, सानू पता होना चाहिए कि इन्हें कुधर चोरी की थी है, कुधर डकैती की थी है, कोदा अटैम्प्ट टू मर्डर कुछ मारिया कुछ किया, तो जाइए बाजार च भी जो पूछे जाइए कुछ पूछ ही सकने, बाजार च काम करा रहे 100 बंदे कने इनका लेन देन दुकानदार बंदे हैं, तो बाजार च जाइए पूछो कि इन्हें कोदे कन्ने चोरी की थी, किए ले बंदे या के है काम करने वाले बंदे, जिस बंदे कन्ने पुलिस स्टेशन च सरेंडर करवाने 200-300 बंदा बाजार दा जा रहा है, वो बंदा क्रिमिनल नहीं हो सकता है, गैंगस्टर ने गैंग बनाई उड़ी, गैंगस्टर जड़े होंगे ना वो सरेंडर नहीं करते, जिंदा टब्बर नहीं ना होंगे वह गैंगस्टर होंगे, ये फैमिली वाले बंदे है, ये मेरी छोटी है बच्ची है जनानी है माँ प्यो है, अगर वो गैंगस्टर होते सरेंडर नहीं करते, वो भी कुछ जो दुए गैंगस्टर नठे रहे उन्हें अगर वो भी नठी आते, लेकिन वो अपने फैमिली के दबाव में आइए वो नहीं गए, क्योंकि नहीं पता कि मैं कुछ नहीं किते ना, मैं कुछ गलत नहीं किते ना, मेरे कने गलत नहीं होना, लेकिन पुलिस वाले सानू चौके बिच रखी है, साढ़े कने गलत किया उनके ऊपर झूठे इल्जाम लगाइए, उन्हें बदनाम किया उन्हें अंदर किया, और बस इो बोलते रहे कि इन्हें जड़ा है जान की खतरा, इनकी सेफ सानू उन्हें सिर्फ इो आख्या कि इनकी सेफ्टी इनकी सेफ्टी इनकी सेफ्टी, लेकिन अगर इनकी सेफ्टी होंगी तो जिधर इन्हें नहीं भेजे जिस गैंग को बचाने के इन्हें भेजे उधर वो पूरी पूरी गैंग बैठी हुई है। मैं पूछना चाहनी जिधर नहीं भेजे उधर उनकी पूरी गैंग है, कल की अगर वो इनके पर हमला करते हैं या इनके कने कुछ गलत होता है इनके तो कौन रिस्पॉन्सिबल होग, पहले तो उन्हें उधर कड़ो, मैं तो चाहनी कि इन्हें जल्दी तो जल्दी बाहर कड़ा जाए क्योंकि इनकी कोई गलती नहीं है, तो मैं हाई अथॉरिटीज तो पता इन्ना इन्ना बोलना चाहनी कि इस मामले की पूरी तो पूरी जांच करवाई जाए, जिन्हें भी इनके ऊपर केस पाए रहे उनकी पूरी इंक्वायरी की जाए कि इन्हें कुधर चोरी कुधर डकैती कुधर मर्डर किया है, तो फिर और बाद जो जो फैसला वो इंसाफ हो जो सा गलत हो रहा। और मैं इो बोलना चाहनी कि जो PSI दीपक शर्मा जी शहीद हो जो क्रिमिनल्स है वह अज तक इनके को नहीं पकड़ोए रहे, उन्हें पकड़ इन्हें बस कुछ नहीं किया, वो जो क्रिमिनल्स नठे रहे वो इनके कोला पकड़वा देनी है। आपका कहना है जो पीएसए लगा है ये गलत लगा है, दूसरा जो जिनके पर लगना चाहिए था वो अभी तक इनसे, हाँ वो अभी वो इनसे नहीं पकड़े जा रहे हैं, तो ये जो हाई अथॉरिटीज का ध्यान जो वो डाइवर्ट करना चाहते हैं ताकि मतलब वो भूल जाएं कि उनको किसी को मारा था पीएसए को मारा था, और इनको पकड़ पकड़ के सबको पीएसए लगा रहे हैं, ताकि क्या अपील करना चाहते हैं। मैं बस हाई अथॉरिटीज से यही बोलना चाहती हूँ कि जो
वो इनके ऊपर पीएससी जो इनके ऊपर केसेस इन्होंने डाले हुए हैं उनकी अच्छे से जांच करवाई जाए और हमारे साथ इंसाफ हो, क्योंकि उनमें से इन्होंने कुछ भी नहीं किया। आप कहीं से भी पूछ सकते हो, बाजार से अगर इन्होंने कहीं डकैती की है तो उनको पता होना चाहिए इन्होंने कहां डकैती की है। अगर इन्होंने अटेम्प्ट टू मर्डर किया किसी का तो किया होगा, कोई होना तो चाहिए ना। तो मैं चाहती हूँ हाई अथॉरिटीज इस मामले को सीरियस लें, क्योंकि हमारी पूरी फैमिली जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई है। तो जो इन्होंने गैंग बनाया वो भी देखें कि कौन सी गैंग है, किसके साथ गैंग बनाई हुई है इन्होंने। जो गैंग बनाते हैं वो सरेंडर करने खुद नहीं चाहते। तो हाई अथॉरिटीज से यही अपील है कि इस मामले की अच्छे से छानबीन करवाई जाए और हाँ, और जो इनके ऊपर केसेस डाले गए उनको अच्छे से देखा जाए और हमारे साथ इंसाफ किया जाए। मेरा नाम प्रकाश है, मैं बीए शहर में रहने वाला हूँ। मेरे दोनों मैं दुकान करना है और मेरे बेटे जेडे सौरभ गौरव ने इनके पर इन्हें पीएसए लगाया है। सुमित सौरभ जिंदे पर इन्हें पीएसए लाया है। मैं ये पूछना चाहता है कि इन्हें दुकानदार का उन दो इनके पर पीएसए क्यों लगाया है? और इन्हें की पुलिस स्टेशन आज सिलेंडर कराने वास्ते लेता है और इन्होंने इन्हें दस दिन रखने बावजूद उसी पर पी एस ए लाई उड़िया, जेल भेजी उड़िया। मैं सुमित सौरभ का चाचा बोला ना, जेडे साढ़े दोए मुड़े ना इन्हें पी एस ए ताया इन्हें अंदर टक्की उड़ा। किस वजह से पी एस ए लगाया उन्हें? इन्होंने एक फेक एफ आई आर लगाई 13-4 की, ओदे बाद इन्हें सारे घर आए ना सदने वास्ते कि तुसें साढ़े उपर एफ आई आर हो गई है। अस गए अस इन नहीं जा रहे, साढ़े कन्ने पूरा बाजार गया है, 150-200-250 बंदा गया है बाजार का। जो तो उन्हें डीएसपी ने अश्योर किया कि अगर कुछ नहीं निकलिया तो अस नहीं छड़ी ओड़गे। 10 दिन इन्हें रखा है उसे पुलिस स्टेशन विजयपुरी, उसके बाद अस इन्हें बेल भी फाइल नहीं की। अस उसके बाद इन्हें कठुआ जेल भेजी उड़िया, ओदे बाद असें बेल फाइल की है। बेल साड़ी 4 तरीक हुई है। बेल होने के बाद इन्हें के किता के 2 तरीक का इन्हें पी एस ए लाई उड़िया। अस पूछना चाहते हैं ये साढ़े को एफ आई आर की कापी है, ये एफ आई आर ले कुछ का या 13-4 की इन्हें इन्हें लाए दा या चोरी डकैती हत्या का मामला इन्हें पर दर्ज किए। अस इे पुछना चाहते हैं कि ये चोरी ਕੋਈ ਕੁੱਥੇ ਆ, ਡਕੈਤੀ ਹੋਈ ਕੁੱਥੇ ਆ, ਅਗਰ ਕੁਸਾ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀਤਾ, ਕੁਸਾਈ ਅਗਰ ਫੱਟ ਮਾਰਿਆ ਕੁਸਾਈ ਕੁਛ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਆ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾਰੀ ਆ? ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਕੁੱਥੋਂ ਲਈ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀ ਐਸ ਆਈ ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਠੂਆ ਮੁਠਵੇੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਿਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਕੜਵਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਦਾ ਪੀ ਐਸ ਆਈ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਲ ਬੱਚੇਦਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਇਹਨੇ ਚੌਪੜ ਕਰੀ ਉੜਿਆ। ਪੀ ਐਸ ਆਈ ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਨਾ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਕੜੋਏ। ਉਹਦਾ ਆਈ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਡਾਵਰਟ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨੇ ਹੀ ਲੱਭਦਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੀ ਐਸ ਏ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਫੇਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਪੀ ਹੈ, ਇਹ ਫੇਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਨੇ 399 ਕੁਤਾ ਲਾਏ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਡਕੈਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਪਰ, ਕੁੱਥੋਂ ਲਈ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਿਆ ਕਿ ਕੁੱਥੋਂ ਲਈ ਹੈ ਚੋਰੀ ਡਕੈਤੀ ਦਾ ਪਰਚਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਨ ਲਾਇਆ ਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸਣ, ਕਿਹੜੀ ਡੇਟ ਕੀ ਲੱਗਿਆ, ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਡਕੈਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੁੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।
PSI ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਿਲ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ ਡਿਵਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੇ ਇੰਨਾ ਕੇ PSI ਲਾਈ ਜਾ ਦੇਣ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੋਮਲ ਹਾਂ ਜੋਸ਼